नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी अहमियत हमारे समाज में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आमतौर पर देखा जाए तो काफी लोग चाय का सेवन सुबह शाम करते हैं, जबकि कई लोग तो कुछ देर में ही चाय पीने के आदी होते हैं। वैसे गर्मा गर्म चाय तो ठंड के मौसम में ही अच्छी लगती है। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में चाय के ज्यादा सेवन से आपके शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। खास तौर पर गर्मियों में चाय आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। दरअसल चाय एक औषधीय पौधा है जो विशेषज्ञ की सलाह से दवा की तरह एक सीमित मात्रा में लिया जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार पीने पर ही लाभ होता है। गर्म देशों में रहने वाले लोगों के लिए चाय जहर के समान है, तो वहीं ठंडी जलवायु और ठंडे वातावरण में रहने वालों के लिए ये फायदेमंद है। लगातार चाय पीने से आपके शरीर में ब्लड शुगर की बीमारी या हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का डर बना रहता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में सबसे खतरनाक ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का डर भी बढ़ जाता है। चाय पीने से पेट में गैस बनना भी चालू हो सकती है और पेट के अंदर अम्लीय मात्रा बढ़ जाने के कारण आपको सीने में जलन और खट्टी डकारों की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा चाय के अधिक सेवन से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे आपके दिल पर सुचारू रूप से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और दिल की बीमारी की समस्या से भी रूबरू होना पड़ सकता है। तो आप भी अगर गर्मियों में ज्यादा चाय का सेवन कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देखें और अपने चाय के सेवन को थोड़ा कम करें।